बिहार का मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है, बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। दिवाली के पहले मिलेगा अक्टूबर महीने का वेतन। 25 अक्टूबर से राज्य कर्मियों का वेतन का भुगतान शुरू हो जाएगा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर का अधिकारियों को निर्देश है, 31 अक्टूबर को दिवाली के पहले वेतन मिल जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है, 25 अक्टूबर तक वेतन दे दिया जाएगा। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, आगामी त्योहार के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों को पहले ही वेतन दे दिया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ा तोहफा सरकारी कर्मचारियों के लिए। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार सरकार के जो लाखों कर्मचारी हैं उनके लिए एक बड़ी और अच्छी महत्वपूर्ण खबर है ये। दिवाली के पहले ही सरकार ने उन्हें वेतन देने का फैसला कर लिया है और ये अक्टूबर महीने का वेतन होगा और 25 अक्टूबर से बाकायदा राजकर्मियों के वेतन का भुगतान भी शुरू हो जाएगा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने यह निर्देश जारी कर दिया और सभी विभागों को वित्त विभाग का यह पत्र मिल गया है और 31 अक्टूबर को दिवाली के पहले सभी जो लाखों कर्मचारी हैं उन्हें वेतन मिल जाएगा। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि दीपावली एक ऐसा पर्व होता है, दीपावली से लगा हुआ छठ पर्व होता है, तो जो कर्मचारी हैं उन्हें आशा रहती है कि समय से पहले वेतन मिल जाए। तो सरकार ने उनकी उम्मीदों को पूरा किया है और दीपावली के पहले हर हाल में उनके वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। जी वाकई संजय, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और वो चाहते भी होंगे कि जल्द से जल्द वेतन मिल जाए ताकि आगामी आने वाले त्योहार की तैयारी वो अच्छे से कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे, पटना से एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार में 11 नवंबर से होगी इंटर सेंटअप की परीक्षा। बीएसईबी ने सभी डीओ को पत्र लिख दिया है, 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच जिलों में प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। थ्योरी और प्रैक्टिकल के प्रश्न पत्र में गोपनीयता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सभी डीईओ अपने नियंत्रण में प्रश्न पत्र को रखवाएंगे सुरक्षित, किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पत्र लीक ना हो इसको लेकर तरह तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से प्रश्न पत्र को लीक ना होने दें, ऐसी तैयारी की गई है। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बिहार में 29 अक्टूबर तक जारी होगा हेड टीचर का रिजल्ट। बीपीएससी में तेजी से रिजल्ट की चल रही है तैयारी। एचएम का रिजल्ट अब बाद में होगा जारी, अब तक जीएडी से आयोग को एचएम का नहीं मिला रोस्टर। रोस्टर मिलने के बाद ही रिजल्ट की संभावित तिथि की जानकारी मिलेगी। कुछ बिंदुओं पर जीएडी ने की थी आपत्ति, 40,247 सीटों पर हेड टीचर का विज्ञापन जारी हुआ था, अब सीट घटने के बाद 37,943 पर जारी होगा रिजल्ट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे। और इसी बीच सासाराम से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहरीला खाना खाने से 6 लोग बीमार हो गए। एक ही परिवार के 6 लोगों के बीमार होने की खबर है, बीमार लोगों में 4 महिला शामिल। खाना खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई, सदर अस्पताल में इलाज के लिए सभी को भर्ती किया गया। शिवसागर के घटीकन की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सासाराम से आपको बता रहे हैं, जहां खाना खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई। तो सासाराम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 6 लोगों को इलाजरत रखा गया है। शिवसागर के घटीकन की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर तबीयत बिगड़ गई खाना खाने के बाद, एक ही परिवार के 6 लोग बीमार हो गए। आखिर इस खाने में क्या था, क्या परेशानी हुई, इसके लिए पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सासाराम से, जहां जहरीला खाना खाने से 6 लोग बीमार हो गए। दरअसल ये सभी एक ही परिवार के थे, एक साथ इन्होंने खाना खाया जिसके बाद से 6 लोग बीमार हो गए, जिसमें 4 महिला शामिल बताई जा रही है। और खाना खाने के बाद सभी की हालत बिगड़ गई, सभी को अस्पताल में इस वक्त इलाजरत रखा गया है, इलाज के लिए भर्ती किया गया है। शिवसागर के घटीकन की ये घटना बताई जा रही है। सासाराम से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जहरीला खाना खाने से 6 लोगों के बीमार होने की खबर है। और बड़ी